रेडी दोस्तों, देखो मैंने भाई इसके अंदर पानी ले लिया है, ठीक है। अब ये पानी जो है मैं इस कैंप के ऊपर डाल के दिखाऊंगा एक बार, क्योंकि भाई मुझे चेक करना है, ठीक है, कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। तो मैंने यहाँ पर जो आज मंगाया है कैंपिंग टेंट मंगाया है, एक ये रहा कैंपिंग टेंट। ये कैंपिंग टेंट की स्टिक्स है और ये देखिए ये रहा हमारा कैंपिंग टेंट। अभी क्या है ये ना, मैंने ट्रैकिंग के लिए कैंपिंग टेंट मंगाया, तो देखते हैं अब भाई किस तरह से जो टेंट है ये कंप्लीट बनता है। तो एक बार इसको देखते हैं यार कि किस तरह से बनेगा। एक्चुअली क्या है कि ना, मैं अब आगे ट्रैकिंग करने वाला हूँ, तो ट्रैकिंग के लिए कभी टेंट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप लोगों के लिए वीडियोस भी लेकर आनी है मुझे। तो मैंने सोचा कि एक टेंट मंगाया जाए और फिर कभी ऋषिकेश में जाकर या फिर कहीं किसी अच्छी जगह पर जाकर कैंपिंग करी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कि कैंपिंग टेंट किस तरह से लगेगा, ठीक है। नेट ये मच्छरदानी का नेट है, इनकेस आपको हवा वगैरह चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, तो आप क्या करिए। तो नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। तो मैंने यहाँ पर जो आज मंगाया है कैंपिंग टेंट मंगाया है, एक ये रहा कैंपिंग टेंट। ये कैंपिंग टेंट की स्टिक्स है और ये देखिए ये रहा हमारा कैंपिंग टेंट। अभी क्या है ये ना, मैंने ट्रैकिंग के लिए कैंपिंग टेंट मंगाया, तो देखते हैं अब भाई किस तरह से जो टेंट है ये कंप्लीट बनता है। तो एक बार इसको देखते हैं यार कि किस तरह से बनेगा। एक्चुअली क्या है कि ना, मैं अब आगे ट्रैकिंग करने वाला हूँ, तो ट्रैकिंग के लिए कभी टेंट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप लोगों के लिए वीडियोस भी लेकर आनी है मुझे। तो मैंने सोचा कि एक टेंट मंगाया जाए और फिर कभी ऋषिकेश में जाकर या फिर कहीं किसी अच्छी जगह पर जाकर कैंपिंग करी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कि कैंपिंग टेंट किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस कैंपिंग टेंट को कि और देखते हैं कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह में पहले तो स्टिक दे रखी है इसके अंदर हमें। तो ये स्टिक्स जो है इनको किस तरह से लगाएंगे मैं बता देता हूँ। इसको कम्प्लीटली ये अलग अलग तरह की ये हो गई हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो स्टिक है इसको ऐसे फिक्स कर लेनी है, इसको भी यहाँ से फिक्स कर लेना है इस तरह से। फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। तो भाई इस तरह की ना कुछ ये लंबी देखी देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह की ना एक डंडी बन गई है। इस डंडी को हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं और इन्होंने जो टोटल दी है ये दो दी है। तो देखता हूँ मैं, ये दूसरी है जो स्टिक है इसकी, मैं आपको भाई कंप्लीट बता दूंगा कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं है। वैसे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाटरप्रूफ टेंट है, और जो ये टेंट पड़ा है मैं अभी आपको एंड में बता दूंगा कितने का पड़ा है। पहले इसकी स्टिक्स बनाते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। तो भाई ये क्या है कि हमने ये डंडियाँ लगा दी हैं, ये देखिए कुछ इस तरह की हैं, ये देखिए दिख रही होंगी आपको। और कैंपिंग टेंट का मटेरियल कुछ भाई इस तरह से है। तो देखो देखते हैं ये मटेरियल है, अब ये वाटरप्रूफ है या नहीं है भाई वो मैं आपको बता दूँ। चलिए भाई देखते हैं कैसे होगा। तो भाइयों आप ये देखिए कि इस तरह से जो है ना ये इसके अंदर जाएगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखिए हमने कैंपिंग टेंट जो है लगा लिया है, ये देखो भाई अंदर से कुछ इस तरह से है। और भाई ये जो है ना, अभी देखो इसका थोड़ा सा वाटरप्रूफ का मैं चेक करूँगा, क्योंकि भाई मुझे आगे फंसना नहीं है कहीं अगर जा रहे हैं और वहाँ पर बारिश आ गई तो, ठीक है। ये देखिए, और भाई मैं जेन्युइनली बोलूँ इसके अंदर स्पेस बहुत है, दो बंदों का बता रखा है बट इसके अंदर तीन बंदे सो सकते हैं।
अगर आप एडजस्ट करने वाले हो तो, अदरवाइज़ दो बंदे तो बहुत अच्छे से इसके अंदर सोएंगे। ये देखिए, ये रहा भाई आपका टेंट, ठीक है। मैंने क्या करा है, सबसे पहले एक स्टिक को मैंने यहाँ से, ठीक है ना, ये लगाया और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से उस तरफ से, फिर यहाँ पर एक तरह से हमने यहाँ पर भी हुक दे रखा है इसको टाइट करने के लिए, दोनों तरफ से ऐसे करके, उसके बाद ऊपर से हमने ये गांठ बांध दी इसके ऊपर। तो ये इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक मच्छरदानी का भी दे रखा है, मच्छरदानी का मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए इसके अंदर एक आपको ये जो दे रखा है ना नेट, ये मच्छरदानी का नेट है। इनकेस आपको हवा वगैरह चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, तो आप क्या करिए, सिर्फ देख लेता हूँ मैं कहाँ से है इसका। ये मच्छरदानी के बंद करने का, ठीक है, ये मच्छरदानी बंद हो जाएगा, उसके बाद आप ये इसको ये बंद कर सकते हैं ये गोती, ठीक है। तो ये आप इस तरह से बंद कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो टेंट है आप इसके अंदर दो बंदे सो सकते हैं। बट इसका क्या है, एक बार वाटर प्रूफ का और टेस्ट कर लेते हैं कि भाई कितना वाटर प्रूफ है। वैसे किसी ने, मैंने कई वीडियो ऐसी देखी है यूट्यूब पर, ठीक है, तो भाई ये देखो, ये यहाँ से हो गया है बंद, ठीक है, ये इंसेक्ट फ्री है आपका। यहाँ से क्या है कि कोई इंसेक्ट नहीं जाएगा, बट एक चीज़ और है कि यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए ना इसके अंदर और कुछ नहीं दे रखा है। तो अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ यही वाली आप लगाइए, इसके बाद आप ये भी लगा सकते हैं इसका, मतलब डबल लेयर है, ठीक है। और बाकी जो नीचे की जो ये पन्नी है, ये भाई जो इसका ये दे रखा है, कपड़ा दे रखा है, जो भी दे रखा है इसका, बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि वाटरप्रूफ है या नहीं है, क्योंकि मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं बट उसमें ये नहीं दिखाया कि भाई ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है भाई, अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, इनकेस बरसात आ गई तो इसका फ़ायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है। रेडी दोस्तों, देखो मैंने भाई इसके अंदर पानी ले लिया है, ठीक है। अब ये पानी जो है मैं इस कैंप के ऊपर डाल के दिखाऊंगा एक बार, क्योंकि भाई मुझे चेक करना है, ठीक है, कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। ओ, यहाँ से तो ऑब्वियसली पानी अंदर चला जाएगा जाल से, तो मैं इसको इधर से करता हूँ, बस इतना करके देख लेता हूँ मैं एक बार। ये मैंने ऐसे ऐसे कर दिया इसको, बट एक बार मैं अंदर से और चेक करता हूँ कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। भाई अंदर कोई भी पानी नहीं आ रहा है, ये 100% वाटरप्रूफ टेंट है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर कोई भी किसी तरह का कोई भी पानी नहीं आ रहा है और गीला नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये वाटरप्रूफ है, ठीक है। यहाँ से भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये वाटरप्रूफ है पूरा, ठीक है, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इनकेस कोई बरसात है, बरसात में भी इसको लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है भाई, बताइए कि किस तरह से आपको ये मेरा इस टेंट का जो वीडियो है कैसा लगा। इसी तरह के और भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो, ठीक है। और मैं आपको जल्दी केदारनाथ की यात्रा भी दिखाने वाला हूँ, तो बोलिए हर हर महादेव।